हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक सॉकेट, एक स्विच, एक इंडिकेटर से एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो चलिए इन सब को हम बारी बारी से बोर्ड में फिट कर लेते हैं। सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर को हमने बोर्ड में फिट कर लिया। अब हम इसके टर्मिनल को जान लेते हैं। ये है हमारे सॉकेट के टर्मिनल और यहाँ पर लिखा हुआ है L, यानी कि लाइन यानी फेज का टर्मिनल है ये। और इस टर्मिनल पर लिखा हुआ है N, यानी कि ये न्यूट्रल का टर्मिनल है। और ये है हमारा अर्थिंग का टर्मिनल, यहाँ पर अर्थिंग वायर आएगी। ये है हमारे स्विच के टर्मिनल और स्विच बोर्ड में सप्लाई को ऑन ऑफ करने के काम आता है। ये है इंडिकेटर और इसके दो टर्मिनल होते हैं और बीच में इसके छोटा सा लैंप दिया होता है। इंडिकेटर बोर्ड में सप्लाई को शो करता है, यानी जब लाइट आती है तब ये लैंप ऑन हो जाता है। टर्मिनल्स के बारे में हमने जान लिया, अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा वायर लेंगे और इस तरह से इसे पील कर लेंगे। अब हम इस वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसी वायर के दूसरे हिस्से को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमें लेना है एक और वायर और उसे भी पील कर लेना है। इस वायर को हम सॉकेट के एल वाले यानी कि फेज वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी वायर के दूसरे हिस्से को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक और वायर और इसे हम सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी वायर के दूसरे हिस्से को हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ये तो हो गई हमारी बोर्ड की वायरिंग। अब हम लेंगे एक वायर जो हमारी मेन सप्लाई तक जाएगी। आप ये वायर कितनी भी छोटी या बड़ी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसकी भी वायरिंग कर लेते हैं। इन दोनों वायर को भी हमें पील कर लेना है। येलो वाले वायर को हम सॉकेट के एन वाले टर्मिनल यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। और रेड वायर है ये हमारी फेज की वायर है, इसे हम इन दोनों टर्मिनल में से कौन से भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि येलो वायर को इंडिकेटर वाले टर्मिनल और रेड वायर को इन दोनों टर्मिनल से कोई से भी टर्मिनल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर छोटी सी गांठ लगा देंगे ताकि वायर पर जब भी खिंचाव पड़े तो ये टर्मिनल से ना निकले।
अब हम हमारे बोर्ड की फिटिंग कर लेते हैं। ये है हमारी मेन सप्लाई तक जाने वाली वायर। इसके आगे हम टू पिन टॉप का प्लग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लग को खोल लेते हैं। टू पिन टॉप के दोनों टर्मिनल पर हम ये वायर कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन हो गए हैं हमारे कंप्लीट और अब हम इस बोर्ड को सप्लाई में लगा देंगे और फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो टेस्टिंग के लिए मैंने लिया है बल्ब। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।